Dean students, let's continue the topic operation on series object. Series object में आप operation करना है, ठीक है? इसका मतलब हुआ जब हम print करते हैं series object में, तो याद रखिएगा दो column outcome आता है. पहला column आता है index और दूसरा आता है value. ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो वैल्यूज हमारा दिए हुए हैं उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं बाय द गिवन सिंटैक्स. मैंने लिख दिया है द डेटा वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट कैन बी इजीली मॉडिफाइड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट सिंटैक्स है इसके, सिंटैक्स वन सिंटैक्स टू. पहला है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के रिस्पेक्ट, इंडेक्स यहाँ पर दिया रहेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इंडेक्स दिया रहेगा. तो आपको इंडेक्स बताना पड़ेगा किस इंडेक्स के वैल्यू को आपको रिप्लेस करना, मॉडिफाई करना है ना. तो सिंटेक्स होगा सीरीज ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा इंडेक्स जो है हमारा मिडिल ब्रैकेट है, ये देखिए मिडिल ब्रैकेट है, इसके अंदर इंडेक्स वैल्यूज को लिखेंगे. क्या इंडेक्स? वन है तो वन लिख देंगे, टू है तो टू लिख देंगे, इक्वल टू न्यू डेटा वैल्यू. दिस वैल्यूज आपको चेंज करना है, ओल्ड वैल्यू जो हमारा यहाँ पे है वो रिप्लेस हो जाएगा न्यू वैल्यू से, ठीक है. अब दूसरा है यहाँ पे सिंटेक्स नंबर टू, सीरीज ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आप रेंज दे रहे हो है ना, स्लैश डेटा स्लैश सबसेट ऑफ द डेटा, स्टार्टिंग वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है, ये एक्सक्लूसिव है, स्टॉप एक्सक्लूसिव होगा, और स्टेप्स मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है. न्यू डेटा वैल्यू, न्यू डेटा वैल्यू इसके रिस्पेक्ट, इंडेक्स के रिस्पेक्ट में जहां जाइए फॉल करेगा, लाई करेगा और उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है. लिखिए मैंने लिख दिया स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट विल रिप्लेस ऑल द वैल्यूज फॉलिंग इन द गिवन स्लाइस. एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर वन, हम एक छोटा सा सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. लिखेंगे कैसे करेंगे, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, पीडी के नाम रखा, आप कोई भी नाम रख सकते हैं. यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, एस कैपिटल सीरीज. अब यहां पे जो आर्गुमेंट देंगे, एक लिस्ट वैल्यू हम पास करते हैं एज एन आर्गुमेंट टू द फंक्शन सीरीज. मान लेते लिस्ट में हमारा वैल्यूज है 1.5 फर्स्ट वैल्यू हो जाता है, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5, ये हमारा लिस्ट है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज है सेपरेटेड बाय कॉमा. इसको हम पास कर रहे हैं एज आर्गुमेंट टू द सीरीज, ये जो लिस्ट है वो सीरीज में कन्वर्ट हो रहा है. अब यहां पे ऑब्जेक्ट एक ओबीजे एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का नाम है. अब इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट ओबीजे, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले आएगा वन पॉइंट वैल्यूज में 1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5. क्योंकि हमने यहां पे इंडेक्स नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, बट टोटल 5 वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा. और मैं डे टाइप इसका दिखा रहेगा, डी टाइप बाय डिफॉल्ट रहता है फ्लोट 64, ठीक है. क्योंकि फ्लोट वैल्यू यूज किया तो फ्लोट 64, इंटीजर वैल्यू होता तो इंट 64 आता, ठीक है. अब आपको चाहिए ये, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये वैल्यू 3.0, इसको आपको मॉडिफाई करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ 3.0 विद रिस्पेक्ट ऑफ इंडेक्स वन, इससे रिप्लेस में हमको इसको मॉडिफाई करना है. इस 3.0 की जगह हम 3.5 चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखे हम लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन, या ऑब्जेक्ट हमारा जो भी है या इंडेक्स दे देंगे मिडिल ब्रैकेट लिखेंगे वन, इंडेक्स नंबर वन, या इंडेक्स नंबर वन है यहाँ पे वन आ गया, इक्वल टू 3.5, ये रिप्लेस हो गया. इसको प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे ओबीजे, तो क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू प्रिंट करेगा सबसे पहले 1.5, 3.5 आ जाएगा, रिप्लेसमेंट हो गया, चेंज हो गया यहाँ पे, उसके बाद आ जाएगा 4.5,
6.0, 7.5, 0, 1, 2, 3, 4 देखिए वैल्यू चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया। ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल रेंज का, कैसे हम रेंज, इसी क्वेश्चन को हम रेंज में करेंगे। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा आउटपुट कम है, हमारा आउटपुट मालूम है क्या है, यहाँ पे 1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5, 0, 1, 2, 3, 4 हमको रेंज देना। मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिया है, लिखा हमने 1:5:2 मतलब फर्स्ट को लेगा, 3 को लेगा और 5 जाएगी नहीं, दो वैल्यू को रिप्लेस करेगा विद सम वैल्यू। मान लेते हैं 8.0 एक वैल्यू दे दी। अब क्या होगा, प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट वेरिएबल, सॉरी स्ट्रिंग सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम है। तो आउटपुट जब हम रन करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट हमारा, पहला आएगा 1 एज इट इज प्रिंट करते हैं, 0 देगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें चेंज आ जाएगा 1 में क्योंकि इंडेक्स हमारा 1 है। फिर दो स्टेप बढ़ेंगे 3 में, इसमें चेंज आएगा, ये दो में दोनों वैल्यू हमारा रिप्लेस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट ऑफ 8.0। हमारा वैल्यू जाएगा 1.5, 8.0, 4.5, 8.0, 7.5, 0, 1, 2, 3, 4 दिस आर द आउटपुट। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन द सीरीज ऑब्जेक्ट जो टॉपिक है उसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन ऑफ द वैल्यूज है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा बचता है हेड एंड टेल फंक्शन हम पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट जस्ट है। ओके, थैंक यू।